मुंड माला इस बात का प्रतीक है कि शिव जी ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। पुराणों के अनुसार यह मुंड माला शिव जी और सती माता के प्रेम का भी प्रतीक है। जब माता सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया था, तब शिव जी क्रोधित होकर तांडव करने लगे थे। यह शिवजी जी की ही लीला थी। भोलेनाथ स्वयं इस लीला के रचयिता थे। शिवजी ने सती माता को इसकी जानकारी पूर्व में ही दे दी थी। तभी शिवजी ने सती माता को मुंड माला पहनने का राज बताया था। शिवजी के गले में पड़ी यह माला 108 सिरों की है। एक बार नारद मुनि ने सती माता से पूछा कि माता, शंकर भगवान अगर आपको सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो उनके कंठ पर मुंडों की माला क्यों रहती है? नारद मुनि के उकसाने पर सती माता ने शिवजी से हट करके माला का रहस्य जानना चाहा। काफी समझाने पर माता सती नहीं मानी तो शिवजी ने उन्हें बताया कि इस मुंड माला के सभी सिर आपके ही हैं। शिवजी ने कहा कि यह आपका 108वां जन्म है। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी हैं। ये मुंड उन्हीं जन्मों का प्रतीक है। मुंड माला पहनने का रहस्य जानकर सती माता ने शिवजी से कहा कि मैं तो बार बार शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन आप तो त्याग नहीं करते। तब शिवजी ने उनसे कहा कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसीलिए मुझे बार बार शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। सती माता ने भी शिवजी से अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। मान्यता है कि जब शिवजी सती माता को कथा सुना रहे थे, तब सती माता पूरी कथा नहीं सुन पाई और मध्य में ही सो गई। फलस्वरूप उनको राजा दक्ष के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह करना पड़ा। सती माता के आत्मदाह के बाद शंकर भगवान ने उनके शरीर के अंशों से 51 पीठों का निर्माण किया, लेकिन शिवजी ने सती माता के मुंड को अपनी माला में ही गूंथ लिया। इस तरह 108 मुंड की माला शिवजी ने पूर्ण करके धारण कर ली। हालांकि बाद में सती माता का अगला जन्म माता पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माता पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ और फिर उन्हें कभी भी शरीर त्यागना नहीं पड़ा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए। धन्यवाद।